दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इद्रीस. सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर वेजिटेरियन एंड दे ऑफन आस्क वाई इन इस्लाम इट इज अलाउड टू किल एनिमल्स एंड दैट टू इन द नेम ऑफ गॉड. देखिए, ये एक फैलेसी है. फैलेसी यानी ये लॉ ऑफ इस्लाम की बात नहीं है, ये लॉ ऑफ नेचर की बात है. जिस दुनिया में आप हैं वो आपने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया है, वो बनाया किसी और ने. उसके जो लाज हैं वही प्रिवेल करेंगे, हमारी आपकी डिज़ायर नहीं प्रिवेल करेंगे. वो कैसे, जिन्होंने कहा है वो दूध पीते होंगे, मुझे कहे कि दूध को वो माइक्रोस्कोप पे देखें, वो सब्ज़ी खाते होंगे, सब्ज़ी को माइक्रोस्कोप के शीशे पर रख कर देखें. हर चीज़ में जान है, हर चीज़ में जीव है. आप जब दूध पीते हैं, जब सब्ज़ी खाते हैं, जब फल खाते हैं, तो आप मिलियन मिलियन जीव को अपने अंदर सॉल्व कर लेते हैं. ये तो लॉ ऑफ नेचर है, क्या करेंगे आप? या तो मर जाइए या ले ऑफ नेचर को फॉलो कीजिए. ये मसला हमारे चॉइस का नहीं है, याद रखिए, ये नेचर लॉ को फॉलो करने का है. मैं खुद तो वेजिटेरियन हूँ, क्योंकि वेजिटेरियन होने का मतलब यह है कि मैं अगर गोश्त न खाऊँ, मछली न खाऊँ, तब भी मैं सब्ज़ी खा रहा हूँ, और सब्ज़ी में उसी तरह से जान है, इस तरह से मीट में जान है. इस वजह से यह बातें जो है बहुत ही अनसाइंटिफिक हैं, और जो लोग ये बातें करते हैं वो कुछ जानते नहीं, वो समझते हैं कि ये लॉ ऑफ इस्लाम की बात है. नहीं, ये लॉ ऑफ नेचर की बात है.